आज दो मुद्दों पे बात करनी है। पहला मुद्दा तो है एक और गारंटी जो आज हम गुजरात के लोगों को दे रहे हैं। हम सब लोग गाय को अपनी माता मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं, लेकिन जिस तरह से गुजरात के अंदर गाय के साथ अनदेखी हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, वो बड़े दुख की बात है। पिछले कुछ महीने जब जब मैं गुजरात में आया, बहुत सारे लोग मुझे मिले, उन्होंने सबने इसके बारे में शिकायत की। दिल्ली में हम लोग हर गाय के रखरखाव के लिए प्रतिदिन 40 रुपए देते हैं। 20 रुपए दिल्ली सरकार देती है, 20 रुपए नगर निगम देता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी गुजरात के अंदर तो हर गाय के रखरखाव के लिए हम लोग 40 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से देंगे, और हर जिले के अंदर पांजरा पोल बनाया जाएगा ताकि जो ऐसी गायें हैं जो दूध देना बंद कर देती हैं या जो सड़क पे घूम रही हैं, उनको भी वहां पे उनका भी रखरखाव किया जा सके। और भी गाय के लिए जो जो कदम उठाने की जरूरत है वो सभी कदम उठाए जाएंगे। गुजरात में अरविंद केजरीवाल का बड़ा वादा, बीजेपी का छूटा पसीना। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को वादा किया कि यदि उनकी पार्टी गुजरात की सत्ता में आई तो प्रत्येक गाय के लिए एक पालक को रोजाना 40 रुपए दिए जाएंगे और गैर दुधारू मवेशियों के लिए प्रत्येक जिले में एक गौशाला बनाई जाएगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि केजरीवाल की यह घोषणा गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने और हिंदू मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए है। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस आपके वोट काटने के लिए एकजुट हैं और खुफिया ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी पार्टी आप राज्य में अगली सरकार बना रही है। केजरीवाल ने राजकोट में संवाददाता सम्मेलन में कहा, दिल्ली में हम प्रत्येक गाय पर 40 रुपए रोजाना देते हैं, दिल्ली सरकार इसमें से 20 रुपए देती है, बाकी 20 रुपए नगर निगम देता है। अगर गुजरात में आपकी सरकार बनती है तो हम गायों को पालने के लिए प्रत्येक गाय पर 40 रुपए रोजाना देंगे। उन्होंने बताया कि गैर दुधारू और आवारा पशुओं के लिए प्रत्येक जिले में एक गौशाला बनाई जाएगी। केजरीवाल ने वादा किया कि आप सरकार राज्य में गायों की बेहतरी के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। आप नेता केजरीवाल की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब राज्य के गौशाला मालिक गुजरात सरकार द्वारा वादे के एक पैकेज नहीं दिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल ने अहमदाबाद में जिस रिक्शा चालक के यहाँ डिनर किया था उसके बीजेपी को समर्थन देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह लोगों के बीच इस आधार पर भेदभाव नहीं करते कि वह किस पार्टी का समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा, वे चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, उन्होंने मुझे रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया था, मैं यह सोचे बिना गया कि वह किस पार्टी का समर्थन करता है। वे अपनी इच्छा से किसी भी पार्टी को मत दे सकते हैं। अगर आप मुझे भोजन पर आमंत्रित करेंगे तो मैं कभी नहीं पूछूंगा कि आप किस पार्टी को वोट देंगे। केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वह सभी लोगों के लिए बिना किसी भेदभाव के काम करेगी। उन्होंने दावा किया कि आपको हराने के लिए बीजेपी और कांग्रेस गुजरात में एक साथ आ गए हैं और कांग्रेस को आपके वोट तोड़ने का काम किया गया है। केजरीवाल ने दावा किया कि एक सूत्र ने उन्हें एक IB रिपोर्ट के बारे में बताया जिसके अनुसार अगर आज गुजरात विधानसभा चुनाव होते हैं तो आप राज्य में सरकार बनाएगी, लेकिन सामान्य बहुमत से। उन्होंने दावा किया, जब से यह रिपोर्ट आई है ये दोनों दल एकजुट हो गए हैं, वे गुप्त बैठकें कर रहे हैं, दोनों पार्टियां आपको बुरा भला कहने के लिए एक ही भाषा का इस्तेमाल कर रही है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।